देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए टीवी 9 भारतवर्ष। एक बार फिर से अपनी स्क्रीन को देखें आप समझिए, ये एक बड़ा अलग किस्म का हम लोगों ने आज शो किया है। ये ओपिनियन पोल है, देश में जो चार महत्वपूर्ण सवाल हैं, यशवंत जी आपको बीच स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनके सी वोटर ने ये सवाल पूछे। हर दिन 5000 लोग मिनिमम उनसे बातचीत हो रही है एक महीने से, इसीलिए ये वर्तमान है। वर्तमान यानी वो जो हैंडल कर रहे हैं अभी इस वक्त। हम बात कर रहे हैं सरकार की, हम बात कर रहे हैं बीजेपी, मैं सरकार का ही रिप्रेजेंटेशन उनको मानूंगा, केंद्र पार्टी उन्हीं की है जो सरकार चला रही है अलायंस के साथ। तो ये देखें आप, जीवन नरसिम्हा राव जी और बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं यशवंत जी जिन्होंने किया। वर्तमान ये है, अतीत जिनको हम कह रहे हैं ये अतीत भी है, भविष्य भी है, वर्तमान भी है, लेकिन ये डील करते आ रहे हैं ऐसे केसेस से, इसलिए ये डॉक्टर्स इस श्रेणी में हैं। और भविष्य की अगर बात की जाए तो वो देश के सबसे विद्वान, सबसे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स जो आपको एक वेदर फोरकास्ट की तरह बता सकते हैं कि देखिए वर्तमान तो आपने बता दिया लेकिन भविष्य में बारिश होगी कि नहीं होगी, तो आपको छाता लेकर जाना है कि नहीं जाना है। इसीलिए उस फोरकास्ट के लिए अब मैं जाऊंगा चंद्रमौली जी के पास। नरसिम्हा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैंने आपको देखा, और फिर वली साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। चंद्रमौली जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने दूसरा सवाल दिखाया कि क्या मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ सही तरीके से लड़ रही है, एक दूसरा क्या खतरे को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अब मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला, क्या इस घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग ग्लोबल लीडर की छवि के रूप में देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और भारत को क्या ग्लोबल मानचित्र पर एक अलग तरीके से देख रहे हैं, एक। दूसरा सवाल जो मेरा है, क्योंकि हमने दो सवाल पूछे थे, दूसरा सवाल यह है कि क्या कोरोना का जो खतरा है, जो ये 37% लोग बोल रहे हैं बड़ा चढ़ाकर, क्या एकदम आराम से रहे या कोरोना अभी भी खतरा है, हम नहीं मान सकते कि वो खतरा नहीं है, आपकी इस पर राय चंद्रमौली जी। देखिए मेरा कहना है कि मोदी जी सर्वमान्य जो नेता अब बन चुके हैं, अभी आगे कितना बनेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, परंतु मैं तो मानता हूँ कि अभी वो वैश्विक स्तर पे एक बहुत ही बड़े नेता बनकर के उभर चुके हैं। दूसरा विषय आपका ये है कि कोरोना के विषय में लोग कितना बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर ये महामारी जो आई है कोरोना, इसकी विभीषिका सर्वविदित है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और इस विभीषिका से समस्त विश्व लड़कर बाहर आएगा ये भी मैं मानता हूँ। जो वर्तमान की स्थिति है वो भयावह तो है, पर इतना मैंने पूर्व में भी आपके इस चैनल पे कहा था कि इससे हम लोग निजात पाएंगे, और मैंने ये भी बताया था कि 6 मई से हम थोड़ा सा, 14 अप्रैल से एक परिवर्तन आया है, एक 6 मई से आएगा, एक 14 मई से आएगा, एक 27 मई से आएगा, एक 18 जून से आएगा, ये क्रमशः सुधार वाले हैं। और मैं आशा बलवती राजन आशान्वित रहकर कि आदमी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, निराशा से हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम इस वैश्विक स्तर पे जो महामारी आई है इससे हम जरूर निकलेंगे। नहीं तो मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, आपने एक बार फिर से थोड़ा रिकैप करने के लिए, कौन सी वो तारीख है जब हमें लगेगा कि ये ईज आउट हो रहा है, एक। दूसरा, क्या भारत दुनिया को इस एपिसोड के बाद, क्योंकि हर महामारी के बाद दुनिया का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो एक टेक्टोनिक शिफ्ट देखने को मिलता है, तो आपको लगता है भारत का भी वो शिफ्ट आ रहा है? देखिए भारत का बिल्कुल आ रहा है, और मैं इतना बताना चाहता हूं, मैंने भी तारीखें जो बताई उसमें 18 जून एक महत्वपूर्ण तारीख है। इसके बाद से स्थिति में हम इतना कह सकते हैं कि हम 40-50% इस महामारी से निकल पाए हैं। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में भारत की स्थिति है, इससे मैंने पूर्व में ही बताया था कि 2022 में जब बृहस्पति अपनी मीन राशि में आएगा, उस समय हम भारतवर्ष एक वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन करके विश्व के सामने आएगा, ऐसा मेरा मानना है।
आपने सुना क्या कहा चंद्रमौली जी ने? डॉक्टर चंद्रमौली जी ने यह कहा हमसे कि 2022 में भारत एक बड़ा, बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर देश बनकर उभरेगा, और 18 जून इस तारीख को याद रखें, 18 जून। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।